जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। आज हम देखेंगे ये समांतर श्रेणी क्या है। एपी, एपी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी, उसे श्रेणी की तो बहुत होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। तो हमको समांतर श्रेणी देखना इसलिए होगा कि जब हम अपना नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें समांतर श्रेणी पर आधारित बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूँ समांतर श्रेणी का कि समांतर किसे कहते हैं। जैसे मान लो कोई पाँच है, 9 4 13 13 4 17, एक कोई सीरीज जा रही है, सीरीज देखते जाइए, देखिए ये सारे सीरीज हमने लिख दिया, नाम है समांतर। समांतर को अगर हम संधि विच्छेद करें तो बनता समान अंतर। देखो मैंने क्या लिखा, 5 के बाद 9 9 के बाद 13 13 के बाद 17, आप देख रहे हैं 4 4 प्लस होता चला जा रहा है। बस इसमें से इसको घटाओ तब भी 4, इसमें से इसको घटाओ तब भी 4, इसमें से इसको घटाओ तब भी 4, यानी सबका अंतर समान है इसलिए नाम समांतर है। ऐसे ही 6 6 का अंतर आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा, ऐसे यहाँ पे 8 8 का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा, यहाँ पे 5 5 का अंतर दिखाई पड़ रहा और यहाँ पे आपको 7 7 का अंतर दिखाई पड़ रहा। तो अगर ये सीरीज है तो इस सीरीज का फिर हमें इस्तेमाल क्या करना है, इस्तेमाल इस पर आधारित सवाल होते हैं। दो तरह के सवाल इस पर बनाए जा सकते हैं। एक सवाल बनता है यनवा पद बताओ, एक होता है यन पदों का योग बताओ। आओ दोनों तरीका हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल बनता है यनवा पद बताइए, यनवा पद बताइए। अब यनवा पद बताने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, फार्मूला क्या है आओ दिखाते हैं। फार्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको इसका परिचय लेना पड़ेगा, इसका काम ही है यनवा पद बता देना। देखो टी एन माने होता है अंतिम पद, अंतिम पद होता है, और ए क्या हुआ, प्रथम पद हुआ, प्रथम पद एक ए हुआ, एन क्या हुआ, पदों की संख्या, पदों की संख्या हुई, और डी क्या हुआ, सर्वांतर हुआ। और सर्वांतर को हम लोग यह मान सकते हैं कि दूसरा में से आपको पहला घटाना है, ए टू माइनस ए वन करना होता है, तो दूसरा में से पहला घटाना होता। अब देखो दूसरा में से पहला घटाने का मतलब हुआ डी नेगेटिव भी पॉसिबल है, जो कि आगे एग्जांपल में मैंने दिया भी है। अब चलो जल्दी से देखा जाए कि इन श्रेणियों का यनवा पद कैसे बताया जा सकता है। मान लो हमने पहले सवाल का इसको मुझे 20वां पद बताना था, इसको मतलब मान लो 12वां पद बताना है, इसका मान लो हमें 15वां पद बताना है, इसका हमने मान लिया 16वां पद बताना है, इसका मान लो हमें 10वां या 15वां पद बताना है। हम इतने सारे सवाल आपको करके दिखाते हैं कितना आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में 20वां पद बोला है तो आप T20 लिख सकते हो, है? अब A का मतलब पहला पद, वहाँ से देखो A क्या वन हुआ 5 प्लस एन माइनस वन मतलब 20 माइनस 1, और D का कितना हुआ 9 5 4 9 4 आ गया, बस आपका उत्तर आ गया। ये कितना हुआ 5, ये हुआ 19 चौक 76, 6 5 11 आपका उत्तर आ गया 81। यानी अगर कोई व्यक्ति इसको लिखते जाए तो 20वीं बार वो 81 लिख पाएगा। ऐसे ही अगर आपको दूसरा प्रश्न लगाना है तो इसमें 12वां पद पूछा गया है, हम क्या करेंगे T12 निकालेंगे तो हमें क्या मिलने जा रहा है, हमें मिलने जा रहा है पहले नंबर पर मिलेगा 8 और प्लस 12 माइनस 1, और यहाँ पे 6 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा, ये हुआ 8 प्लस 11 छक्के 66, आपका उत्तर बन गया 74। यानी अगर आप इसको लिखते जाएं तो आप 12वीं बार में 74 लिख पाएंगे। अगर हम तीसरा प्रश्न लगाने का प्रयास करें तो आप देखें 12 से शुरू हो रहा, इसका 15वां पद चाहिए, 15वां चाहिए तो T15 चाहिए, 12वां पद बताना है, पहला पद हमारे पास है 12, तो 12 प्लस 15 माइनस 1, और यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 8 का, यहाँ हमने 8 लिख दिया। अब देखो 12 है और ये 14 है ना, 14 8 112,
अब जोड़ लीजिए बस 124। आपका उत्तर बन गया तीसरा सवाल, आपने हल करके देख लिया। देख रहे हैं आप, इतने आसानी से इनके उत्तर को लगाया जा सकता है, जो कि बहुत आसान है। अगला हमारे पास है 75, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसी जगह पे अब दूसरे वाले को लगा के दिखाता हूँ। इतने आसानी से सवालों को समझा जा सकता है। देखिए हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है, 75 से स्टार्ट हो रहा है, हमको 16 मापक चाहिए, हमें T16 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 75 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस 16 माइनस 1 करेंगे, और यहाँ देखो माइनस 5 करेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको 70 में से 75 घटाना है, इसलिए माइनस 5 लिखना पड़ेगा। आपका उत्तर हुआ 75 प्लस ये 15 गुणा माइनस 5 है, तो माइनस 75 हो जाएगा, और प्लस 75 माइनस 75 जीरो हो जाएगा। अगर इस सीरीज को कोई लिखता जाए, इसका 16वां पद क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और अब देखो पांचवा प्रश्न आपके सामने है, पांचवा प्रश्न आपके सामने बन जाएगा, 7 का टेबल चल रहा है, 15वां चाहिए, यानी हमको T15 निकालना है। तो हम सबसे पहले 7 लिखते हैं, उसके बाद प्लस, ये हो जाएगा 15 माइनस 1, और यहाँ बन जाएगा 7, क्योंकि 7 से 7 का अंतर आपको बार बार दिखाई पड़ रहा। आओ देखा जाए तो 7 प्लस ये 14 सत्तर 98। अब आप जोड़ सकते हैं, आप जो हो भैया, तो 8 और 7 देखो कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, कुछ गलत हो। देखो 7 14 होता जा रहा, पहला पद आपका 7 है, और फिर 15वां पद आपको बताना है, 15 माइनस 1 और 7 का अंतर, ठीक है। 14 सत्तर 98, तो कितना हुआ भैया, 8 7 15 105, ये आपका उत्तर बन गया। देख रहे हैं, तो आपने यनवा पद निकालना बहुत आराम से जान लिया। अब इसी में एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं यन पदों का योग निकालना, वो भी इसी समय देख लेंगे। तो होगा क्या कि एक ही साथ में एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत आपको इतना बड़ा चीज़ एक साथ तैयार हो जाएगा। देखो हम अगली बात देखते हैं, यन पदों का योग ज्ञात करना है। अगर आपको यन पदों का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए आपके पास एक दूसरा फार्मूला आता है, उसका नाम होता है SN। SN बराबर होता है n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a + n-1 × d। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि n-1 × d पिछले वाले में भी था और यहाँ पर भी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें एक और फार्मूला क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। आओ क्रिएट करते हैं, n/2 कर्ली ब्रैकेट, इस 2a को अगर हम लिख दें a + a और फिर प्लस n-1 × d, तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक एकदम पुराना फार्मूला बन जाएगा TN वाला। और हम लोग TN को L भी समझते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लास्ट टर्म होता है। अब देखो हमारा एक फार्मूला ये भी बन गया, n/2 और ब्रैकेट में A, और इसकी जगह पे हम L लिख सकते हैं। तो आपके सामने N पदों का योग करने के लिए दो सूत्र आपके सामने हो चुके हैं। इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल जोड़ने के लिए किया जाता है सीरीज को। ये सीरीज वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया गया हो, तब निकाल सकते हैं, और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब अंतिम पद दिया गया हो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलो कोई सवाल लगा के इसमें से देखते हैं। मान लीजिए दोनों क्वेश्चन, दोनों फार्मूले आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम इसको हटा रहे हैं और सीधे इस पर सवाल होने जा रहा। मान लीजिए जो पहला सीरीज है, इसके 20 पदों का योग हमको बताना है, पूछ लिया जाए, तो हम कैसे लगाएंगे। हम लिखेंगे SN बराबर 20/2, यस 20 है यहाँ भाई, यस 20 बराबर 20/2, और कर्ली ब्रैकेट 2a मतलब 2 × 5, और प्लस n-1 यानी 20-1, और d की जगह पे हम 4 लिख देंगे, बस हमारा काम हो गया। इतने से में हमारा एक कैलकुलेशन हो सकता है, आओ चेक करें, ये हुआ 10, इसको देखेंगे तो ये हुआ 10, और प्लस 1976। आप जानते हैं 10 है और 76 10 86 है, गुणा करेंगे 860 आपका उत्तर बन जाएगा। आप बहुत आराम से इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। चलो ऐसे ही मान लो नीचे वाले कर लें, 30 पदों का योग हमको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका आपको एक साथ क्लियर हो जाएगा। इस सीरीज को हम 30 पदों को जोड़कर दिखाते हैं आपको कैसे जोड़ेंगे। हमने लिख दिया F30 बराबर हो गया 30/2। अब कर्ली ब्रैकेट 2 × 7 प्लस 30-1 और × 7, क्या भाई 7 आ गया। आओ हल करते हैं, 30/2 कितना हुआ 15, यहाँ देखें तो 7 × 2 = 14, और प्लस यहाँ देखेंगे तो हमें 29/7 करना है। हम 29/7 करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम 3 7 21 210 कर लेंगे, और 210 में से 7 घटा देंगे, 210 में 7 घटा देंगे तो 203 आ जाएगा, और बस
हम लोग इसको हल करेंगे, 15 गुड़ा 3 14 3 17 217 हो जाएगा, गुड़ा करिए 15 सत्तर 105 10 15 के 15 10 25 2 15 दो 30 2 32 ये हमारा उत्तर बन गया। तो देखो कितने बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से आपके पास पहुंच जा रहे हैं, ये केवल और केवल इन दो फार्मूले की वजह से हो रहा। समांतर श्रेणी बहुचर्चित सवाल है, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं जिस पर इस पर सवाल ना बनता हो। इसको ठीक से समझने के लिए इस पर अभ्यास बहुत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीरीज लगाने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।